प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 गणित का हम विषय में एक उप विषय है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर ये पृष्ठ क्या होते हैं। ठीक है, देखिए आयत आपने पढ़ा होगा, अब जानते हैं कि कमरे की दीवार का जो आकार होता है वो आयताकार होता है। आयत में क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो अगर एक आयत हम इस प्रकार से ले लें, कमरे की दीवार को ही समझिएगा, एक आयत इस प्रकार से ले लें, यानी एक दीवार इस तरीके से ले लें, दूसरी दीवार ऐसे ले लें, तीसरी पीछे ले लें, चौथी ये ले लें, एक कमरे की फर्श ले लें और एक कमरे की छत ले लें और इसको मिलाकर के एक आकृति बनाएं, तो इस आकृति का नाम क्या होता है, इस आकृति को हम कहते हैं घनाभ। क्योंकि सबसे पहले आपको आकृति के नाम के बारे में जानना होगा, इसको क्या कहते हैं, घनाभ। यानी घनाभ क्या होते हैं कि छह आयताकार पृष्ठों से मिली हुई बंद आकृति होती है। यानी इस प्रकार से छह पृष्ठ होते हैं, ये छह पृष्ठ हैं, एक ये छह पृष्ठ हैं। जरा इन पृष्ठों को ध्यान से देखिए, अगर चाक का डिब्बा जो क्लास में होता है उसको देखिए, तो चाक के डिब्बे में कितने पृष्ठ होते हैं, छह पृष्ठ होते हैं। ठीक है, एक आगे वाला पृष्ठ है, एक पीछे वाला है, दो हो गए, एक ऊपर का है एक नीचे का है, चार हो गए, एक इधर का है और एक इधर का है, छह हो गए। अब इस घनाभ में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो इसमें लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है, तो ये घनाभ हो गया। ठीक है, अब घन क्या होता है, घन क्या होता है, ये घनाभ है। घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होते हैं और इसको आप क्या नाम देते हो, ए। तो घन भी एक प्रकार का घनाभ है, अंतर यह है कि घन में सभी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे आप निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो विषय है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ कहिए या इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, ये क्या होता है, ये 2lb प्लस bh प्लस lh। जरा समझिएगा आया कहां से, हम कमरे की बात कर रहे थे, कमरे की एक दीवार में लंबाई होती है और ऊंचाई होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू ऊंचाई, तो ये हो गया लंबाई इंटू ऊंचाई। कितनी दीवारें हैं, दो, एक ये वाली और एक इसके सामने वाली, तो दो से गुणा कर दिया हमने, एक इसमें चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, तो अगर इस दीवार का हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एक दीवार ये है एक इसके बिल्कुल सामने वाली दीवार होगी, तो ये दो से गुणा कर दिया हमने। एक आपकी छत होती है जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, एक फर्श होती है लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई को दो गुना कर देंगे, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2lb प्लस bh प्लस lh। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखिए इसमें दो चीजों का गुणा किया गया है, तो इसका मात्रक हमेशा जब निकलेगा तो वर्ग इकाई निकलेगा। वर्ग इकाई का मतलब, अगर मान लिया ये जो भुजाएं हैं वो मीटर में दी हुई होंगी तो वर्ग मीटर होगा, अगर ये भुजाएं सेंटीमीटर में दी होंगी तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो ये तो बात हो गई घनाभ की। अब एक आकृति आती है घन, अभी हमने बताया कि घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है, यानी घन एक प्रकार का घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए। कहने का मतलब यह हुआ कि जो हम अभी आयत ले रहे थे, इस कमरे की दीवार आयताकार ले रहे थे, अगर इसको वर्गाकार ले लिया जाए, वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, अगर ये सभी दीवारें, एक दीवार दो दीवार तीन दीवार चार दीवार इसकी छत इसकी फर्श सब आप जो है वर्गाकार ले लें और इसको सजा के कमरा बना दें, तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। और घन की भुजा को हमने क्या मान लिया, ए। अब हम एल इंटू बी इंटू एच या एल बराबर बी बराबर एच लिखने के बजाय उसको हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो जब घन का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, घन का क्षेत्रफल मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, जहां L है वहां A रख दीजिए, जहां B है वहां A रख दीजिए, जहां H है वहां A रख दीजिए, तो क्या आएगा, 2 A इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर। तो इसका
एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a² और इसका भी मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई। अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं, एक उदाहरण समझिएगा इसको। पहले हम उदाहरण लेते हैं एक घनाभ का। अगर हम मान लें कि घनाभ की भुजाएं 1, 2 और 3 है, 1, 2, 3 का मतलब यह हुआ कि लंबाई हमने 1 सेंटीमीटर मान ली, चौड़ाई हमने 2 सेंटीमीटर मान ली और ऊंचाई हमने 3 सेंटीमीटर मान ली, और हमने कहा इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र हम आपको बता चुके हैं 2lb + bh + lh। इसके बीच में चिन्ह कौन सा होता है, गुणे का होता है। यह ध्यान रखिएगा, अगर कोई संख्या आप लिखते हैं 23, तो ये तो 23 हो गया जाकर के, लेकिन अगर आप एक्स वाई लिखते हैं तो इसके बीच में कहा जाए या ना कहा जाए, हमेशा चिन्ह काहे का होगा, गुणे का होगा। तो इसमें जब मान रखेंगे आप, तो एल की वैल्यू क्या है, 1, 1 हो गया, बी 2 हो गया, प्लस बी का मान 2 हो गया इंटू 3 हो गया, प्लस 3 हो गया इंटू 1 हो गया। अब जरा समझिएगा यहां पर, क्योंकि गुणा भाग में बड़ी गलतियां आप लोग करते हैं। देखिए, अब यहां आप सोच रहे होंगे भाई इसको हम पहले जोड़ दें या पहले इसको गुणा कर दें। भाई ये 2 + 2 भी है, 4 भी हो सकता है, 3 + 3 भी है, 6 भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में एक वर्ड आता है बॉर्ड मास, ये इंग्लिश में ही याद किया जाता है। अगर कहीं ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट आप जानते हैं, ऑफ माने का, हिंदी में इसको का कहते हैं, डी का मतलब डिवीजन होता है यानी कि भाग होता है, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है यानी कि गुणा होता है, और ए का मतलब एडिशन होता है यानी कि जोड़ होता है, और एस सब्ट्रैक्शन होता है यानी कि घटाना होता है। अगर मान लिया कोई ऐसा बीजगणित गणित का ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हो तो उसमें यही सिस्टम लगेगा, ठीक है। तो पहले आप इसमें जोड़ेंगे नहीं, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसे गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे गुणा होगा इसका, 2, 2 + 2 प्लस 3 × 6 प्लस 3 × 3 2, ये 6 × 2 = 8, 8 × 3 = 11। अब ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखी है तो इसके बीच चिन्ह कौन सा होता है, हमेशा गुणे का होता है। तो आंसर आ गया आपका, उत्तर आ गया 22। और अगर आपने केवल 22 लिख दिया तो यह उत्तर गलत है, क्योंकि यहां भुजाएं सेंटीमीटर में है तो इसका मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से हम घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। अब मान लिया आपको एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें हम घन ले लेते हैं। हमने माना कि एक घन है जिसकी प्रत्येक कोर, भुजा भी कहते हैं उसको, कोर भी कहते हैं उसको। अगर हमने कहा कि घन की जो प्रत्येक कोर है, घन की प्रत्येक कोर, वो हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और हमने कहा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सूत्र बताया गया है 6a². तो 6a² मतलब 2 × 2, 2² का मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 6 × 4 यानी कि 24। मात्रक वही होगा, वर्ग इकाई नहीं लिखे यहां पर, यहां पर सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि इकाई की जगह पहले से ही आपको मात्रक क्या दे रखा है, इन्होंने सेंटीमीटर दिया है। तो इस प्रकार से घन का प्रश्न लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने आपसे कहा कि एक 2 घन है और दोनों घन में प्रत्येक की भुजा, प्रत्येक की कोर 2 सेंटीमीटर है और उसको सटा के हमने रख दिया, तो अब बताइए कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जरा समझिएगा। हमने अगर 2 घन ऐसे ले लिए, मान लिया ये हम फिलहाल 1 में 2 बना रहे हैं, ये घन है, देखिए ध्यान से, ये हमने घन ले लिया और हमने कहा इसमें प्रत्येक घन की जो कोर है, कोर माने भुजा, वो 2 सेंटीमीटर है, ऐसे ये हमने 2 घन ले लिए, ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा हमने 2 मान ली, यानी इसकी लंबाई 2, चौड़ाई 2, ऊंचाई 2,
इसकी लंबाई ये ऊंचाई हो जाएगी दो, ये भी दो और ये भी दो। और हमने कहा ये जो आकृति बनी है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जरा आकृति को समझिएगा, इसकी चौड़ाई तो ऊंचाई तो दो ही है, चौड़ाई दो है लेकिन इसकी लंबाई बढ़ गई है, यानी दो घन को जोड़ने पर क्या बन गया है, ये घनाभ बन गया है। तो यानी दो घन जब जोड़े गए तो क्या बना, घनाभ। अब घनाभ की लंबाई कितनी है, दो धन दो, यानी कि घनाभ की लंबाई आ गई 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई तो ही रहेगी आपकी 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब हमने कहा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है ये ऊपर का जो पोर्शन होता है, सरफेस होता है, उसका एरिया निकालना होता है चारों तरफ का। तो फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं घनाभ के लिए, 2LB प्लस BH प्लस LH। 2L यहां पर क्या है 4, B यहां पर क्या है 2 प्लस, B यहां पर क्या है 2, H यहां पर क्या है 2 प्लस, L यहां पर क्या है 4, H यहां पर क्या है 2। अब गुणा भाग में गलती मत करिएगा, 4 × 8 प्लस 2 × 4 प्लस 4 × 8, 8 × 16, 16 × 4 = 20, 2 × 20 बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप दो घनों को जोड़ करके जो आकृति बनती है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब जरा देखिएगा, कभी कभी ये क्या करते हैं भाई, हमारे पास जो सूत्र हमने बताया वो बताया पृष्ठ क्षेत्रफल का, मान लिया हमने आपको क्षेत्रफल दे दिया और उसमें कोई ऐसा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कुछ ऐसी चीज है जो नहीं दी हुई है वो निकाल लीजिए उससे। या कभी कभी क्या होता है कि हमने माना, जैसे एक उदाहरण और लेते हैं हम, हमने माना कि एक घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो अनुपात है L अनुपात B अनुपात H, ये 1:2:3 का अनुपात है। अनुपात का मतलब भुजाएं 1, 2, 3 नहीं है, ये 2, 4, 6 भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लिया दो संख्याएं 2:3 में है, इसका मतलब 2 और 3, यानी इसको आप चाहें तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 4 और 6 भी हो सकता है। इसको चाहे 2/3 को अगर 100 से गुणा कर दें तो ये 200 और 300 भी हो सकता है, ठीक है। तो 2:3 का मतलब 2 और 3 नहीं होता है। तो अगर मैं कहूं कि एल बी एच का जो अनुपात है वो 1:2:3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि L को आप मानेंगे 1x, ठीक है, B को मानेंगे 2x और H को मानेंगे 3x। अभी हम जो बता रहे थे कि 2:3 में मैंने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है तो 4/6 आ गया था, यानी कि जो इसमें कॉमन चीज थी 2 वो हमने काट दी। तो एक तरीके से जो हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अनुपात में लिखा है तो ये जो कॉमन चीज है दोनों का जो गुणे में है ये हमने काट दिया था, और जो हमने अलग अलग लिखा तो इसको 1x 2x और 3x माना, ठीक है। अब हमने इसका वक्र क्षेत्रफल आपको दे दिया, इसका वक्र क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र भी कह सकते हैं पृष्ठ भी कह सकते हैं, हमने दे दिया इसका, मान लिया 8800 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम यहां वर्ग सेंटीमीटर दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि लंबाई भी सेंटीमीटर में होगी, चौड़ाई का मात्रक भी सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई का मात्रक भी सेंटीमीटर होगा। अब आपको हमने क्या दे दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र लगा दीजिए, क्या सूत्र होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH बराबर 8800। अब इसका मान रखिए, L की वैल्यू क्या है 1x, B की वैल्यू क्या है 2x प्लस, B की वैल्यू क्या है 2x, H की वैल्यू क्या है 3x प्लस, L की वैल्यू क्या है 3x × x बराबर 8800। अब जरा इसका गुणा देखिएगा, देखिए x और x को कैसे गुणा करेंगे, हमने घातांक पे पढ़ा है कि अगर कहीं x की घात a हो इंटू x की घात b हो, ये आधार कहलाता है और ये घात कहलाती है। अगर कहीं आधार समान होता है तो घातें इसकी क्या होती हैं, वो जुड़ जाती हैं। यानी यहां x की घात क्या है 1,
यहां क्या है वन, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा दो, तो ये हो जाएगा टू एक्स टू पावर टू प्लस, ये तीन दूनी छह होगा एक्स की पावर टू प्लस ये थ्री एक्स टू पावर टू इज इक्वल टू 8800। अब हमको यहां x का मान निकालना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा 6 2 8 3 11 11 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में क्या होगा 11 एक्स स्क्वायर बराबर 8800। अभी हम बता चुके हैं कि अगर ब्रैकेट लगाया कहीं पर इसका मतलब जो बाहर संख्या है उसका अंदर गुणा होगा, संख्या के साथ गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 एक्स स्क्वायर बराबर 8800। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 8800 बटे 22, यानी कि ये हो जाएगा 400, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 20, ये एक्स निकला। यानी यहां जो 20 से गुणा हो रहा था, जो आपने काट दिया था अनुपात निकालते हो, तो क्या है 20। अब आप लंबाई निकाल लीजिए, एल की वैल्यू क्या है एक्स, यानी कि 20 सेंटीमीटर, b की वैल्यू क्या है 2x, तो दो से गुणा करेंगे 20 का तो क्या होगा 40 सेंटीमीटर, h की वैल्यू क्या है 3x यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो कभी कभी इस प्रकार से अनुपात दिया होता है और इस प्रकार से वैल्यू दी हुई होती है और उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपसे निकलवाते हैं। तो ये तो बात हो गई घनाभ की, तो एक आकृति आपने समझी घनाभ, एक आकृति आपने समझी घन, अब एक तीसरी आकृति हम लेके चल रहे हैं जिसका नाम है बेलन। देखिए बेलन देखो, ठीक है, अब शुरू कर सकते हो। अब हम एक अगली आकृति के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है बेलन। देखिए बेलन क्या होता है, बेलन आप जानते हैं उसका आकार के बारे में, आप जानते हैं कि ये बेलनाकार है, उसमें ये क्षेत्र होता है इस प्रकार से और ये इसका वृत्ताकार क्षेत्र होता है, ठीक है। तो बेलन में ऊंचाई होती है और बेलन के आधार और ऊपर का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। अगर आपसे कहा जाए कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए, तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको निकालना है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। हमने इसको क्यों बताया भाई, डायरेक्ट सूत्र आप लिख सकते हो 2πRh, हमने आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई क्यों बताया, उसका कारण है। कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई बेलनाकार कैप लगा ली, देखा होगा जो होटलों में शेफ होते हैं वो लगाते हैं बेलनाकार कैप लगा ली, और हमने कहा कि जिस व्यक्ति ने वो कैप लगाई है उसके ये सर का ये वाला जो सरकमफ्रेंस है ये हमने आपको दे दिया, ठीक है, इसको कहते हैं परिधि। तो ये क्या हो गया, ये 2πR हो गया। तो कभी कभी आधार का परिमाप दे देते हैं तो ये तो बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया। इस वक्रपृष्ठ में खास बात ये है कि हमने बेलन का ऊपर का भाग और नीचे का भाग नहीं लिया है। अगर हम आपसे कहें कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए, संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका मतलब ये क्या होता है कि वक्र पृष्ठ के साथ साथ बेलन के ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल भी आपको कवर करना है, यानी कि 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर करना है। इसमें 2πR कॉमन ले लीजिए, h प्लस r होगा। तो इस प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना होता, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने में थोड़ा सा एक दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लिया हमने आपसे कहा कि मुझे एक ड्रम बनाना है पानी भरने के लिए। अब आप जानते हो कि पानी भरने का वाला ड्रम नीचे से भी खोल दो ऊपर से भी खोल दो, बनाओ ड्रम उस पर नहीं बनेगा ना, पानी बह जाएगा। यानी नीचे आपको बंद करना पड़ेगा, ऊपर भी उसको बंद कर दो तो पानी कहां से भरोगे। तो जब पानी भरने का ड्रम बनाओगे तो आप क्या करोगे, ऊपर से उसको खोलोगे। और मैं कहूं पानी भरने का ड्रम है और ऊपर से खुला हुआ है और उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो या संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप यहां जो 2πR स्क्वायर लिख रहे हो वो आपका 2πRh प्लस केवल πR स्क्वायर होगा, क्योंकि नीचे का क्षेत्रफल आपने कवर किया है, बंद किया है, ऊपर वाले को बंद नहीं किया है। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। अब एक उदाहरण के तौर पर इसको हम समझते हैं कि मान लिया हमने आपसे कहा
कि बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए होता क्या है कि हम जब क्वेश्चन लगाते हैं, प्रश्न लगाते हैं, तो पहले पूरा प्रश्न पढ़ लिया, पढ़ने के साथ साथ ये जरूरी है देखिए क्या दिया गया है। हमने कहा एक उदाहरण देखते हैं कि किसी बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और उसकी जो ऊंचाई है वो मान लिया 6 सेंटीमीटर है, और हमने कहा इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए। तो वक्र पृष्ठ आप जानते हैं ये वाला, ये जो इधर चारों तरफ का ऊपर नीचे छोड़ करके, क्या होता है सूत्र इसका, 2πRh। 2π का मान 22/7, r का मान 7, h का मान 6। देखिए पाई का मान 22/7 होता है और पाई का मान 3.14 भी होता है। अब आप कहेंगे भाई हम कैसे समझे हमको क्या मान लेना है। देखिए अगर आपको यह लग रहा हो कि 22/7 रखने से 7 कट रहा है तो 22/7 रख दो, नहीं तो 3.14 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रश्न में दे दिया गया कि पाई का मान इतना है तो वो वही रखना पड़ेगा जो प्रश्न में दिया होगा, तो 7/7 कट जाएगा। तो 2×6 से गुणा करो, 6×12 = 13, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×1 = 2, वर्ग इकाई ने लिखिएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आपने वक्र प्रश्न निकाला, यानी इस बेलन का ऊपर का भाग और नीचे का भाग आपने पैक नहीं किया था, खुला हुआ था। अब मैंने आपसे कहा कि इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यह हुआ कि बेलन ऊपर और नीचे भी पैक कर दिया गया है, तो क्या करेंगे इसके वक्र पृष्ठ में से इसका जो क्षेत्रफल है ऊपर और नीचे का उन दोनों को जोड़ देंगे, 2πRh + 2πR2। अब इसमें से 2πR कॉमन ले लेंगे, h प्लस आर होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको देखिए तो 2π का मान क्या है 22/7, r का मान क्या है 7, h का मान क्या है 6 + 7, 7/7 कट गया, तो 2×22×7 = 13, 13 से इसका गुणा कर दो, 13×26 हाथ या 2, 13×26 26×2 28×2, कम से कम 20 तक का पहाड़ आना चाहिए, तो आसानी से आप जल्दी से गुणा कर सकते हैं, 2×6 = 12, 2×8 = 16, 1×17 और 2×4 = 5, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका वक्र संपूर्ण प्रश्न निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया किसी प्रश्न में दिया हो कि बेलन का एक तरफ का एरिया, एक तरफ का जो क्षेत्र है वो खुला हुआ है, तो यहां 2πR² जगह केवल πR² होगा, क्योंकि πR² + πR² जुड़ करके वो 2πR² हुआ है। तो इस प्रकार से बेलन के प्रश्न लगाते हैं। एक और आकृति आती है शंकु, आप जानते हैं जो बर्थडे कैप होती है या जो क्लाउन होता है जोकर जो कैप लगाता है, इस प्रकार से जो कैप होती है वो किस आकार की होती है, वो शंकुआकार होती है। तो ये शंकु है, ये शंकुआकार है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसका एक तो आधार होता है, कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। जब आधार वृत्ताकार होगा तो आधार की त्रिज्या होगी कुछ, तो मैंने उस त्रिज्या को क्या मान लिया, आर। ठीक है, इसमें ऊंचाई होती है LH और इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, यहां दो ऊंचाइयां होती हैं, H ये वाली ऊंचाई है, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो L² = H² + R², ये तो हमने पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके एक सूत्र लगा दिया। अब अगर आपको इसका निकालना है वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो होता है πRL, R और H वो देंगे, L नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा, यानी इन ये जो संबंध दिया है इसमें कोई भी दो चीजें दी हुई होंगी, तीसरी चीज आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए जब हम वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं तो जो हमने ये टोपी बना रखी है, टोपी में जो नीचे का पार्ट नहीं ले रहे हैं, वो खुला हुआ है, केवल जितना उसमें हमने ऊपर से जो कपड़ा लगा रखा है, जो भी लगा रखा है, उसका क्षेत्रफल ले रहे हैं। जब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, तो आप क्या करेंगे, नीचे का जो क्षेत्र होगा उसको भी जोड़ देंगे, यानी कि πRL + πR², तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है,
एक और आकृति हम ले लेते हैं, वो होता है गोला। गोला का मतलब जैसे फुटबॉल होता है वो गोल होता है, ठीक है। तो ये मान लिया फुटबॉल है, मतलब जैसे कोई छल्ला है तो वृत्ताकार होता है, फुटबॉल गोलाकार होता है। ये गोले की त्रिज्या है, तो गोले का अब इसमें चूंकि इसका जो पृष्ठ ही वक्र होता है, तो केवल आप किसे कहा जाए कि गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करो, गोले का क्षेत्रफल तो आ जाएगा 4πr². उदाहरण तौर पर मान लिया हमने आपसे कहा कि गोले की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है और इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो या केवल क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल 4πr² 4π का मान 22 के साथ हमने क्यों लिया? क्योंकि आर स्क्वायर में 7 कट रहा था, इंटू 7 × 7 7 कट गया, तो 4 × 8 4 × 8 इंटू 7 7 56 56 5 आएगा, तो 56 के 6 हाथ है 5 56 57 58 60 61, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, एक तो घन पढ़ा, एक घनाभ पढ़ा, घन का वक्र क्षेत्रफल कैसे निकालते ये पढ़ा, घनाभ का क्षेत्रफल आपने पढ़ा, आपने गोले का क्षेत्रफल पढ़ा, आपने शंकु का क्षेत्रफल पढ़ा, आपने बेलन का क्षेत्रफल पढ़ा। अब आपको कुछ ग्रह कार्य है, ठीक है, एक आप चाहे क्वेश्चन और देख लीजिएगा। मान लिया आपसे हमने कहा कि भाई एक आपको घन दे दिया और घन का जो क्षेत्रफल है वो 64 वर्ग सेंटीमीटर है वक्र क्षेत्रफल, तो यानी कि आपको हमने क्या दे दिया, 6a² दे दिया, 64 सेंटीमीटर² ठीक है। कोई और मान ले सकते हो, तो ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 64/6, यानी a का मान कितना हो जाएगा, 64/6 का ये a हो गई प्रत्येक भुजा। अगर हमने आपसे कहा कि भाई किसी भी घन का संपूर्ण क्षेत्रफल या वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी भुजा ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, अंडर रूट 64/6। हो सकता है कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आए, जैसे अब 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, लेकिन इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, उत्तर में कभी भी वर्गमूल का चिन्ह कोशिश करिए हर में नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 6 से गुणा कर देंगे, तो 8 √6/6, 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8, तो 4 √6/3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपसे मान निकलवा सकते हैं, ठीक है।